रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, फिर भी वह धनुष क्यों नहीं उठा पाया और राम जी ने कैसे धनुष को तोड़ दिया था। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता है तो शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। तो आइए यह सब जानते हैं। ऐसा था धनुष, भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। राजा जनक के पूर्वज के निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई आती है, उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इसका अर्थ यह है कि गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी को कहते हैं, शिष्य राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है, जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था, इसे उठाने के लिए देवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी इसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था, वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सका था। वन धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता वह धनुष और भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वयं ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हो गए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और अधिक ऐसी ही ज्ञान वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय श्री राम।